भगवान शिव आज अपने भक्तों से कुछ बात करना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने जब इस सृष्टि को रचा था तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं जो मनुष्य बना रहा हूँ, मुझे उससे इतनी भक्ति, इतना स्नेह और इतना प्यार मिलेगा। तुम जब मेरी आराधना करते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरी कामना करते हो, तो मेरी शक्तियों को दो गुना कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम क्यों हो ऐसे कि दिल जीत लेते हो मेरा? आज तुम्हें जी भर के आशीर्वाद देने का इच्छुक हो रहा हूँ मैं। आज समृद्धि के सारे द्वार खोलने का इच्छुक हो रहा हूँ। मेरे बच्चे, कुछ दिनों से तुम लगातार मुझसे एक ही चीज़ मांग रहे हो। चलो, वक्त आ गया है कि मैं वो चीज़ तुम्हें अर्पण करूँ। अब तुम्हारी कामनाओं को पूरा करने का सही वक्त आ रहा है। हो सकता है दिन थोड़े से और कठिन हो जाए, परीक्षा थोड़ी सी और बढ़ जाए, लेकिन घबराना मत मेरे बच्चे, सफलता के दिन बहुत नज़दीक हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं हर क्षण तुम्हारे किए गए कार्यों को देखता रहता हूँ। तुम जो कहते हो उसे सुनता हूँ, तुम जो सोचते हो उसे समझता हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने पिता की शक्तियों पर संदेह मत करना। ये दुनिया छलने वाली है, तुम्हारा सब छीन कर ले जाएगी, लेकिन मैं न दाता हूँ, तुम्हें देने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अन्य बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने परिश्रम पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो, फल भरपूर दूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन में खुश रहो।